हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पांडे फ्रॉम एबीसी ज्ञानबुद्धा क्लासेस। ये हमारा वेक्टर का फोर्थ लेक्चर है और आज के क्लास में हम ये बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहते हैं आप लोगों को। इससे पहले मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लास्ट क्लास का मैं कुछ रिवीजन आपको करा दूं। आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर को ऐड करने का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। थीटा क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल व्हाट? थीटा। और जो रिजल्टेंट होता है इनके बीच में कहीं पे होता है रिजल्टेंट, इनके बीच में कहीं पे रिजल्टेंट होगा इस जगह पे। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो कि वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना? अल्फा एंगल बना। तो यहां से टेन अल्फा इक्वल टू हम निकालते हैं, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मैंने दो चीज आपको बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग टेन अल्फा निकालते हैं। टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। उसमें मैंने स्पेशल केसेस देखा था कि व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, उसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज ए माइनस ए डिफरेंस बी या मॉड ऑफ ए माइनस बी। जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल कहने का मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रिजल्ट देखा था कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू ए कॉस थीटा। करेक्ट, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज टू ए स्क्वायर प्लस 2a square into cos theta। तो यहां से आपका रिजल्ट होगा 2a square common हो जाएगा 1 plus cos theta। और trigonometry में आपको पता होना चाहिए, maths में 1 plus cos theta होता है 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2, 1 plus cos theta होता है 2 cos square theta by 2। यहां पे put करोगे तो यहां से रिजल्ट आपका आएगा 2a square into 2 cos square theta by 2। तो ये 2 2 जा 4, तो यहां से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है यहां से बाहर हो जाएगा, दैट इज 2a cos थीटा by 2। इस पे भी मैंने स्पेशल केसेस कुछ पढ़ाया था कि व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तब रिजल्ट क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तब रिजल्ट क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री तब रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने आपको सारे केसेस लास्ट क्लास में, आप इन वीडियोस को, आप इन कॉन्सेप्ट को अगर आपको और डिटेल देखना है तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का जरूर देखें, ताकि आपको ये सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, तभी आपको आज का क्लास समझ में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने का। ये जो तरीका है इसमें दो वेक्टर, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, दैट इज उसके लिए पहला लॉ हम लोग पढ़ते हैं क्या, पॉलीगन लॉ, दैट इज पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का कौन सा लॉ हम लोग स्टडी करेंगे, तो दैट इज पॉलीगन लॉ। ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीगन लॉ होता क्या है, इसकी यूज हम जनरली इस क्यों करते हैं, जब दो से ज्यादा वेक्टर को हमको जोड़ना रहे, तीन वेक्टर को, तो मतलब पॉलीगन लॉ का हम यूज करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे कंपोनेंट एडिशन, बट कंपोनेंट एडिशन को पहले तब समझ में आएगा जब रेजोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, हाउ टू रिजोल्व अ वेक्टर इनटू इट्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो ये हम आगे भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पॉलीगन लॉ कहता क्या है, नंबर ऑफ, मान लीजिए एन नंबर ऑफ वेक्टर्स है, देखिए समझिए पॉलीगन लॉ क्या कहता है, ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर सी, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, ऑर्डर में है, ठीक है, देखिए टेल हेड, देन आफ्टर टेल हेड, देन आफ्टर टेल हेड। तो रिजल्टेंट जो होगा
रिजल्टेंट वेक्टर आपका कौन होगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन अपोजिट ऑर्डर, ये जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। यहां टेल टू हेड, देन आफ्टर टेल टू हेड, देन आफ्टर टेल टू हेड, और रिजल्टेंट क्या है, या इधर से टेल टू, मतलब फर्स्ट से, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड पे, ये नहीं क्या टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू, तो यहां भी टेल टू इधर, दैट इज नॉट रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इफ एन वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट, या इफ एन वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, दे रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज अपोजिट, अपोजिट सेंस वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां पे ये इन चीज में वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, दिस इज पॉलीगन लॉस, ठीक है। यहां पे कुछ और हम लोग सोच सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर b है, अगर बोलिएगा वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट, वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट, तो अगर वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट तो ये होगा ना, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, इसको हम लोग x वेक्टर बोल रहे हैं, समझना थोड़ा सा, इस चीज को हम प्रूफ भी कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट एक्स वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर है, एक्स वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से बात कर रहे हैं, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर एक्स। अब आइए इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में इसको बोल देंगे फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर एक्स, और ये सेकंड वेक्टर, वेक्टर सी, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो इस ट्रायंगल की जगह लिख सकते हो तो वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिखेगा, वेक्टर आर लिखेगा, ठीक है। वेक्टर एक्स के यहां पे ये वाला टर्म, ये आपका वेक्टर, यहां पे वेक्टर एक्स लिख लो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर एक्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। एक तरह का मैंने आपको पॉलीगन लॉ का प्रूफ बताया, मतलब पॉलीगन लॉ कहता क्या है कि अगर वेक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि वो एक वेक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि वो पॉलीगन को, वो पॉलीगन के साइड्स को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दिस इज पॉलीगन लॉ। और देखिए इसको नोट करिएगा, और हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर सी, दिस वन इज वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, ये तो ऑर्डर में है, बट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर, दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये सब वेक्टर्स क्या है, ऑर्डर में, वेक्टर ए, वेक्टर देखिए टेल हेड, देन आफ्टर टेल हेड, देन आफ्टर टेल हेड, देन आफ्टर टेल हेड, लेकिन रिजल्टेंट क्या है आपका, अपोजिट ऑर्डर में। तो यहां पे आप लिख सकते हो वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, दिस वन इज पॉलीगन लॉ, ये आपका क्या है, पॉलीगन लॉ है, ट्रायंगल लॉ को ही एक्सटेंड किया गया। अब इन दोनों के रिजल्टेंट ये होगा, यहां पे इनका और इनका रिजल्टेंट ये होगा, इनका और इनका, ध्यान समझिए, अगर हम यहां पे दिखा दे आपको, ये आप दिखा दे x, दिस वन इज x वेक्टर, यहां पे हम इसको दिखा दे, दिस वन इज y वेक्टर, अगर गौर से देखो तो a और b का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर x होगा, x और c का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर y होगा, y और d का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर r होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, a और b का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर x होगा, x और c का जो रिजल्टेंट होगा, x और c का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर y होगा, और y और d का जो रिजल्टेंट होगा, y और d का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर r होगा। अब देखिए कैसे आता है, आप इस चीज को यहां पे पुट करोगे तो वेक्टर y इक्वल टू क्या लिखिएगा, वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर x की जगह पे क्या लिखोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये पहले से मौजूद है वेक्टर c, फिर इस वेक्टर y को यहां पे नोट करोगे, वेक्टर y इक्वल टू क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर y की जगह पे क्या लिखिएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और ये पहले से मौजूद क्या है, वेक्टर d, ध्यान दीजिएगा मैंने चेक किया,
ये वेक्टर आर इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यहां भी देखिए वही चीज है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इतना करने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। पॉलीगन लॉ कहता क्या है कि अगर वेक्टर्स आर अरेंज्ड टू एन साइड्स ऑफ ए पॉलीगन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज अपोजिट ऑफ द ओरिजिनल सेंस। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए ये आपका टेल टू हेड, देन आफ्टर ये क्या है टेल टू हेड, देन आफ्टर ये क्या है टेल टू हेड, देन आफ्टर ये क्या है टेल, एकदम सेम ऑर्डर में। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। देखिए रिजल्टेंट ये है, दिस वन इज रिजल्टेंट, दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, तो दिस इज अपोजिट सेंस। क्लियर? एक चीज और समझिए, यहां पे हम लोग ए प्लस बी तभी लिख पा रहे हैं जब एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है। बी प्लस सी मतलब क्या, तभी लिख पाएंगे जब एक का हेड और दूसरे का टेल मिलेगा। सी प्लस डी तभी लिखेंगे जब एक का हेड दूसरे का टेल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। एक चीज और देखिए, और देखिए कुछ एग्जांपल्स और देख लो कैसे। ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, दोनों का हेड हम यहां पे मिला रहे हैं। दिस वन इज वेक्टर सी, दिस वन इज वेक्टर डी, दिस वन इज वेक्टर ई, दिस वन इज वेक्टर ई, दिस वन इज वेक्टर ई। अब बताइए यहां पे कैसे रिजल्टेंट लिखा जाएगा, किस तरीके से रिजल्टेंट लिख सकता है। यहां पे दोनों का हेड मिल रहा है, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहां पे दोनों का टेल मिल रहा है, क्या हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तभी लिखोगे जब एक का हेड होगा और दूसरे का टेल होगा, मतलब अपोजिट होगा। यहां पे दोनों का हेड है, क्या आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। यहां पे दोनों का टेल है, क्या इस तरीके से लिख सकते हो पॉलीगन, नहीं लिख सकते हो। आप तभी लिख पाओगे जब एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा है, एक का पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा है, ठीक है, तभी आप लिख सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, क्या तरीका है, क्या करने का तरीका है, किस तरीके से इसको लीड करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो होता क्या है ट्रायंगल लॉ में, पहले समझिए, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, इस तरह से किया जाता है। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, अगर इसको फर्स्ट वेक्टर बोलेगा इसको सेकंड वेक्टर बोलेगा, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, इसको अगर पहला वेक्टर बोलोगे इसको अगर दूसरा वेक्टर बोलोगे, तो ये देख पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आप अगर यहां पे ट्रायंगल लगाओ तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का नाम हम वेक्टर एक्स दे रहे हैं, वेक्टर एक्स दे रहे हैं। ये जो है वेक्टर सी और वेक्टर डी का रिजल्टेंट है, वेक्टर एक्स जो है किसका रिजल्टेंट है, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। वेक्टर एक्स किसका रिजल्टेंट है, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ट्रायंगल ला, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। यहां पे मैंने वेक्टर सी को फर्स्ट वेक्टर बोला है, वेक्टर डी को मैंने सेकंड वेक्टर बोला है, इनका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर एक्स है। इनका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर एक्स है। क्या रिजल्टेंट इनका, वेक्टर एक्स है। और देखिए और समझिए थोड़ा सा, किस तरह से एलोबरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम है ये आपका, यहां पे क्या है दोनों का टेल मिल रहा है, यहां पे क्या है दोनों का हेड मिल रहा है, यहां पे भी क्या मिल रहा है टेल मिल रहा है। अब किस तरह से करेंगे, तो सबका तो अब यहां पे दोनों का टेल मिल रहा है, इनका रिजल्टेंट कहीं इस साइड होगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं है। देखिए पॉलीगन लॉ में क्या प्रॉब्लम होता है, हमको ये नहीं पता है कि सबका साइड बराबर है तो हम निकाल सकते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट होगा एकदम बीच में होगा या कहां होगा, नहीं पता है। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको एकदम एग्जैक्ट साइज आपको देगा वेक्टर का क्या साइज है, तो इस तरह से आप सबको नहीं ऐड कर सकते, कोई तरीके कोई वे ही नहीं है किसी तरीके से ऐड करने का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। अब क्या यहां पे क्या ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों का टेल मिल रहा है तो आप ए प्लस ई नहीं लिख सकते, यहां पे दोनों का हेड मिल रहा है तो आप ए प्लस बी नहीं लिख सकते, कोई तरीका ही नहीं है लिखने का। सही है, यहां पे कोई तरीका ही नहीं। आप पॉलीगन लॉ में तभी लिखोगे जब एक का हेड और दूसरे का
टेल मिलेगा, एक का हेड और दूसरे का टेल मिलेगा। ठीक है, मैं एक, एक, एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पॉलीगन ला से। देखिए ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर सी, दिस वन इज वेक्टर डी एंड दिस वन इज वेक्टर डी। हम ये पता करना है कौन किसका रिजल्टेंट है, कैसे रिजल्टेंट हम लोग करेंगे। पहली चीज तो देखिए आप क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नोट कर सकते हैं। देखिए दोनों का हेड मिल रहा है तो आप इस चीज को नहीं कर सकते, आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नहीं लिखो क्योंकि दोनों का हेड मिल रहा है यहां पे। कब लिखिएगा, जब एक का हेड दूसरे का टेल मिले। क्या आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि यहां पे एक का टेल और दूसरे का हेड मिल रहा है। क्या आप वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि एक का टेल दूसरे का हेड मिल रहा है। क्या आप वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई लिख सकते हो? नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का टेल मिल रहा है। क्या आप वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए ध्यान से पहले ये समझिए क्या आप कैसे लिख सकते हो। यहां पे दोनों का हेड तो ए प्लस बी सही नहीं है लिखना, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल। देखिए सी और सी का हेड मिल रहा है, डी का टेल है तो आप बी प्लस सी लिख सकते हो। सी का हेड मिल रहा है, बी का टेल मिल रहा है तो आप बी प्लस सी लिख सकते हो। पहले समझिए क्या लिख सकते हो, कौन किसका रिजल्टेंट है वो अपने आप हो जाएगा। सी और डी, सी का टेल मिल रहा है, डी का हेड मिल रहा है, सी का टेल डी का, तो आप ये लिख सकते हो। डी और ई, दोनों का टेल मिल रहा है तो नहीं लिख सकते। फिर ई और ए, ई का हेड मिल रहा है, ए का टेल, आप लिख सकते हो ये चीज। तो ये चीज लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो, ये वाला क्रॉस जो है नहीं लिख सकते। अब इसके अनुसार समझिए थोड़ा सा, अगर हम ई और ए की बात करें, अगर ई और ए का, तो ई और ए का रिजल्टेंट आपका ये होगा, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ई एंड ए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट, वेक्टर आर। देखिए ट्रायंगल अप्लाई करो, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ई और ए का रिजल्टेंट आपका आर है। अब ऊपर के पॉलीगन पे जाए, ये तो ट्रायंगल ला से बोले, ऊपर की पॉलीगन देखिए, ऊपर का पॉलीगन को समझते हैं थोड़ा सा। वेक्टर्स आर अरेंज्ड टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, वेक्टर को अरेंज करेंगे किसके साइड्स ऑफ ए पॉलीगन से। देखिए ये आपका फर्स्ट वेक्टर टेल हेड, ये आपका सेकंड वेक्टर टेल हेड, ये आपका थर्ड वेक्टर टेल हेड, और ये जो वेक्टर है ये क्या आपका उसके अपोजिट ऑर्डर में, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, और ये उसका अपोजिट ऑर्डर में। तो यहां पे आप लिख सकते हो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो यहां से वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में एलएचएस से है वेक्टर आर, तो यहां पे लिख सकते हो वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए। डी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए। देखिए दोनों का एलएचएस है तो क्या डी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए। ये आर दोनों का वेक्टर आर सेम है, यानी कि ये चीज सेम होगा, तो डी प्लस सी प्लस बी किसके बराबर होगा, ई प्लस ए के बराबर होगा। तो ये आपका पॉलीगन लॉ का कुछ मैंने आपको केसेस दिया है, कैसे हम लोग लिखते हैं, पहले लिखना सीखिए पॉलीगन लॉ को, फिर और हम आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग लिखते हैं पॉलीगन में, कौन किसका रिजल्टेंट है, कौन किसका रिजल्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहां पे, एक क्वेश्चन आता है कि थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है क्वेश्चन आता है थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड वन टू एंड थ्री यूनिट्स आर अरेंज्ड on sides of an equilateral triangle, sides of an equilateral triangle, find the resultant vector। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, अभी आपको पूरा इसका सॉल्यूशन नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा वो चीज समझा रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड वन टू थ्री Units are arranged on sides of an equilateral triangle. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, आर अरेंज्ड ऑन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द रिजल्ट, आपको शो करना है रिजल्टेंट वेक्टर, आपको रिजल्टेंट वेक्टर को शो करना है।
तो पहले तो आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, क्योंकि इसके रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, तो अभी कंपोनेंट हम पढ़ाए नहीं इसलिए उसको हम नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं किस तरह से होता है। तो फर्स्ट आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए बनाएंगे, दिस वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, 2 and 3 यूनिट्स आर अरेंज्ड ऑन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब साइड्स ऑफ इक्विलेटरल कहने का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि मतलब पहला वेक्टर इस साइड के लॉन्ग है, दूसरा वेक्टर इस साइड के लॉन्ग है, तीसरा वेक्टर इस साइड के लॉन्ग। ये नहीं है कि मतलब जितना बड़ा मैग इसका फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, अगर आप इसको बोलोगे 1 यूनिट तो सेकंड वेक्टर, मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल से सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन मालूम चलेगा। ये नहीं क्वेश्चन में दे रखा कि थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड ए यूनिट्स आर अरेंज्ड ऑन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, तीनों का मैग्नीट्यूड, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हो जाता, ये आपका सेकंड वेक्टर, ये आपका थर्ड। लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, 2 and 3, अगर इसको आप 1 यूनिट बोल रहे हो, इसको आप 1 यूनिट बोल रहे हो, तो 2 यूनिट तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, 2 यूनिट इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, ये आपका सेकंड वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, ये आपका सेकंड वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका वेक्टर ए है मान लो, इसका मैग्नीट्यूड 1 मान लो, जो ये आपका पूरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड एट इज 2 यूनिट्स दिया हुआ है। मतलब साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपको सिर्फ उसका डायरेक्शन मालूम चलेगा, आपको सिर्फ उसका डायरेक्शन मालूम चलेगा। तो थ्री वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, 2, 3 यूनिट्स आर अरेंज्ड ऑन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल, ये आपका फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। या फिर इस तरह से नहीं करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, एक तरह से नहीं तो इस तरह से करेंगे, यह आपका फर्स्ट वेक्टर, यह आपका फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, करेक्ट, ये आपका सेकेंड वेक्टर, ठीक है, सेकेंड वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ये आपका सेकेंड वेक्टर, ठीक है, दिस वन इज सेकेंड वेक्टर, दिस वन इज वेक्टर बी, और ये आपका थर्ड वेक्टर, दिस वन इज वेक्टर सी। साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे हो रहा होगा, दिस वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से बन रहा होगा, यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। अब इसको साइड्स ऑफ ए पॉलीगन से बात कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट वेक्टर, ये आपका सेकंड वेक्टर, ये आपका थर्ड वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर देखिए टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड नहीं, फिर क्या होगा, हेड टू टेल, ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। हम सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाए आपको, ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसमें कुछ कंपोनेंट का यूज होता है, उसकी मदद से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हम सिर्फ आपको ये बता रहे थे कैसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे दिखा, देखिए टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, देन आफ्टर अपोजिट ऑर्डर हेड टू टेल, ये इस तरह से, या टेल टू हेड इधर से, हेड टू टेल ऐसे बोलिए, या टेल टू हेड इधर, अपोजिट सेंस में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने पॉलीगन लॉ के बारे में आपको मैंने बताया कि किस तरह से वेक्टर को नोट किया जाता है, किस तरह से वेक्टर एडिशन हम लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं। अब एक और चीज समझिए, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर सी, समझते हैं थोड़ा सा, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर सी, कैसे होगा, ये भी पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, देखिए टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पे वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, देयर आफ्टर अपोजिट डायरेक्शन इधर से टेल टू हेड, तो ये आपका वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको हम इस केस को थोड़ा बढ़ाते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम, एक काम करते हैं, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी, वेक्टर सी को मैंने बढ़ाया थोड़ा सा, वेक्टर सी को मैंने बढ़ाया, अब जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, अब ये छोटा वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा, ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं आर डैश, क्या नाम दे रहे हैं आर डैश, क्या नाम दे रहे हैं आर डैश। इस केस में क्या लिखेगा, आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप लोग जो बोल देते हो ना कि पॉलीगन के क्लोज अगर रहेगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू जीरो, कैसे होता है वही हम प्रूव कर रहे हैं।
वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो कैसे होता है ये हम प्रूफ कर रहे हैं। अभी देखिए वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसमें देखिए वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहां पे जो आर डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के मैग्नीट्यूड से कम है, आर डैश का जो मैग्नीट्यूड वो आर के मैग्नीट्यूड से कम है, आर डैश इतना छोटा है, आर बड़ा है, आर डैश छोटा है। अब एक और केस देखते हैं, ये आपका फर्स्ट केस मैंने बताया, ये आपका मैंने सेकंड केस बताया, ये थर्ड केस के बारे में थोड़ा जानिए, थर्ड केस में जानिए। ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी है, दिस वन इज वेक्टर बी, और ये अगर आपका वेक्टर सी को और बढ़ा के हम वेक्टर ए पे ले आए, वेक्टर सी को बढ़ा के हम वेक्टर ए पे, दिस वन इज वेक्टर सी। जरा सोचिए इस कंडीशन में वेक्टर आर क्या यही होगा, वेक्टर आर क्या यहां वेक्टर ए टेल टू हेड, वेक्टर बी टेल टू हेड, वेक्टर सी भी टेल टू हेड। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू व्हाट जीरो, या जीरो वेक्टर भी आप लिख सकते हो, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू व्हाट जीरो, क्योंकि मैंने यहां पे रिजल्टेंट का तो कुछ है नहीं, जहां पे टेल है वहीं पे हेड है, तो उसका लेंथ क्या रहेगा, कुछ उसका लेंथ नहीं है। तो आप यहां पर नोट कर सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर, जीरो के बराबर। ये प्रूफ किया, इसके लिए कोई मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया, विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस चीज को दिखा रहे हैं। पहला केस को फिर से समझिए, ये आपका वेक्टर ए दिस वन इज वेक्टर वेक्टर सी इतना ही लंबा है, तो वेक्टर आर ये होगा। अब बाय द वे क्या हुआ कि वेक्टर सी को लेंथ को बढ़ा दिया गया, वेक्टर सी के लेंथ को और बढ़ा दिया गया, तो ये होगा आपका वेक्टर आर डैश, इसका ये रिजल्टेंट होगा आर डैश, आर डैश आर से छोटा होगा। अब वेक्टर सी को बढ़ा के हम वेक्टर ए के टेल पे रख दिए, वेक्टर सी को और बढ़ाया और वेक्टर ए के कहां रख दिए, टेल पे रख दिए, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिजल्टेंट मतलब क्या यही। तो वेक्टर इस कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू किसके बराबर, जीरो। और ये सिर्फ ट्रायंगल तीन के लिए, एनी नंबर ऑफ पॉलीगन फॉर एन नंबर ऑफ पॉलीगन फॉर एन नंबर ऑफ पॉलीगन सबके लिए ये चीज वैलिड है, फॉर एन नंबर ऑफ पॉलीगन सबके लिए ये चीज वैलिड है, फॉर एन नंबर ऑफ पॉलीगन के लिए वैलिड है। देखिए कैसे, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर डी है, ये आपका वेक्टर ई है, एकदम ऑर्डर में, ऑर्डर में, टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई किसके बराबर, जीरो के बराबर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर वही रहता ये अपोजिट सेंस में, अगर अगर वही ये वाला आपका रहता अपोजिट सेंस में, ये ऐसे रहता वेक्टर ई, तो आप क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का टेल दूसरे का हेड मिल रहा है। क्या वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का हेड दूसरे का टेल मिल रहा है। क्या वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का हेड दूसरे का टेल मिल रहा है। क्या वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का हेड मिल रहा है। क्या वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का टेल मिल रहा है। तो लेकिन ये वेक्टर ई के बराबर हो, देखिए थोड़ा सा एरो को चेंज करने से कैसे रिजल्ट फर्क पड़ता है। पिछला केस में अगर वेक्टर ई ऐसे था जो मैंने बताया, उसका रिजल्ट ये होगा, और वेक्टर ई का मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेक्टर ई किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम लोग बात कर, ये हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, कैसे हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर, तीन वेक्टर रहे, चार वेक्टर रहे, पांच वेक्टर रहे, छह वेक्टर रहे, किस तरह से लिखा जाता है और कैसे उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद इसका पॉलीगन लॉ और कंपोनेंट का दोनों का क्वेश्चन हम एक साथ कराएंगे। पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ना है क्या, कंपोनेंट एडिशन। ठीक है, हम लोग को स्टडी करना है नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट एडिशन। तो कंपोनेंट एडिशन पढ़ाने के पहले हमको पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा, क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू रिजोल्व अ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कैसे हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, तो हाउ टू रिजोल्व अ वेक्टर, दैट इज उसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन, कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन, किस तरह से वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है।
तो देखिए रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है, किसी वेक्टर को, ये आपका मान लीजिए वेक्टर है ए है, किसी वेक्टर को इसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट कर देना, बीच से काट दो ऐसे, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एकदम बीच से, ठीक है, बीच से इसको ऐसे करके कुछ पोर्शन इसका, कुछ इफेक्ट इसका इधर की तरफ भी होगा, कुछ इफेक्ट इसका इधर की तरफ होगा, कुछ इफेक्ट इसका इधर की तरफ होगा, तो इस वेक्टर का इधर कितना इफेक्ट होगा, इस वेक्टर का इधर कितना इफेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाने के पहले आपको यह बताएंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, बता चुके थे फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना, वन। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई कैप से, क्योंकि यहां पे यूज है आपका। वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे कैप से, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, के कैप से। वही अगर बात करोगे निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आई कैप से, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बात करेंगे तो माइनस जे कैप से, और अगर हम लोग निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस के कैप से। x एक्सिस की तरफ i कैप, y एक्सिस की तरफ j कैप, z एक्सिस की तरफ k कैप, नेगेटिव x की तरफ माइनस i कैप, नेगेटिव y की तरफ माइनस j कैप, और नेगेटिव z एक्सिस की तरफ माइनस k कैप से। यूनिट वेक्टर जो क्या बताता है, जो डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर किस चीज को बताता है, डायरेक्शन को बताता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, और किस चीज को एक्सप्रेस करता है, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को i कैप से लिखते हैं, y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को j कैप से लिखते हैं, z एक्सिस के यूनिट वेक्टर को k कैप से लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप से लिखते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस को माइनस जे कैप से लिखते हैं, नेगेटिव जेड एक्सिस को माइनस के कैप से लिखते हैं, ये चीज, क्योंकि इसका यहां पे हम लोग यूज करेंगे। अब वेक्टर का रिजोल्यूशन करने का क्या मतलब हुआ, हाउ टू रिजोल्व अ वेक्टर, वही समझेंगे, ठीक है। तो कंसिडर अ वेक्टर, कंसिडर अ वेक्टर ए लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, एक हम वेक्टर ए कंसीडर कर रहे हैं जो कि किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, कोई भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर एफ, आपको जो मन करे आप रिजॉल्व कर, आप कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर अ वेक्टर ए लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, हम एक्स वाई प्लेन अभी हम बता रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वेक्टर को रिजोल्व करना है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वेक्टर को रिजोल्व करना है, बस यही चीज हम लोग जानेंगे अभी फिलहाल। तो एक वेक्टर ए है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, जो कि which makes an angle theta with x axis, जो कि x axis और कितना एंगल बना रहा है, theta एंगल बना रहा है। देखिए ये आपका x axis है और ये आपका y axis है, ये जो plane है that is your xy plane, और ये आपका vector a है, this one is vector a, xy plane में है, जो कि एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो वाई एक्सिस कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इधर अगर थीटा होगा तो इधर क्या होगा, 90 माइनस थीटा, इधर अगर थीटा होगा तो इधर क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्लियर, क्योंकि दो नेट आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक मैंने वेक्टर ए कंसिडर किया है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, इसका नाम ओ, दैट इज ऑरिजिन, ये ओ है और इसका नाम ए मान लीजिए। अब कैसे निकालते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का दो कंपोनेंट कौन कौन होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसके, उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी। ध्यान दीजिएगा, बुक्स में अलग अलग लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं करने का है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक मैंने वेक्टर ए कंसिडर किया है एक्स वाई प्लेन में, जो कि थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। आप अगर एचसीएल बुक देखोगे तो एक्स अल्फा बोलेगा एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ उसने बीटा एंगल कंसिडर किया है, उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल कंसिडर किया है और वाई एक्सिस कितना एंगल किया है, तो बीटा एंगल कंसिडर किया है। चलिए वो उनका सोचने का, ठीक है, वो भी अच्छा सोच है। अब देखो हम कैसे निकालते हैं, लेट आई कैप, यहां पे भी बोल लीजिए, लेट आई कैप बी द यूनिट वेक्टर, लेट आई कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, लेट आई कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर, एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आपका आई कैप है और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आपका जे कैप है, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर आपका जे कैप है। इस बार हम लोग करते क्या है निकालने के लिए,
हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए बी, ए बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ए सी परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। ए बी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ए बी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ए बी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और ए सी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ए बी, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ए सी परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। सर इसका कंपोनेंट का, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि कंपोनेंट का क्या यूज है। बाबू फोर्स, अगर मान लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर किसी एंगल पे करोगे आप तो उसका इफेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ भी होगा और उसका इफेक्ट वाई एक्सिस की तरफ, वही निकाल रहे कितना होगा एक्स की तरफ और कितना होगा वाई की तरफ। मतलब एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा और वाई वाला जो कंपोनेंट होगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, एफ होगा। मतलब एक्स वाला की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वेक्टर ए का और वाई की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो दोनों मिलके इसका रिजल्ट ये बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इसको हटा के उन दोनों से रिप्लेस कर दीजिए, एक ही चीज हुआ, रिजल्टेंट का मतलब तो यही है, ठीक है। तो हमने ए से बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, ए से सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां पे, तो वाई एक्सिस पे। अब एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ, ये आपका एओबी, एओबी क्या है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इन ट्रायंगल एओबी, एओबी क्या आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है एओबी। इस ट्रायंगल में अगर देखोगे कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच, बी कितना आपका ओबी और हाइपोटेनस कितना आपका ओए। तो यहां से ओबी इक्वल टू क्या लिख सकते हो ओए कॉस थीटा। सो ओबी इक्वल टू व्हाट इज ओए, ओए का मैग्नीट्यूड कितना है ए कॉस थीटा, तो ओबी इक्वल टू क्या होगा ए कॉस थीटा। ये ओबी क्या है मैग्नीट्यूड, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज ओबी इक्वल टू व्हाट ए कॉस थीटा। मैंने पढ़ाया था ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए कॉस थीटा, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इसके यूनिट वेक्टर तो ये वेक्टर बन जाएगा। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या मैंने लिया है आई कैप, तो आप इसको लिख सकते हो ओ बी वेक्टर इक्वल टू बताइए ए कॉस थीटा इंटू व्हाट आई कैप, ठीक है। तो ये ओ बी वेक्टर आपका हो गया ए कॉस थीटा इंटू आई कैप, ओ बी वेक्टर हो गया ए कॉस थीटा इंटू व्हाट आई कैप। एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो गो एंड चेक माय वेक्टर का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, इस चीजों में कोई कंफ्यूजन तो आप हमारे वेक्टर के फर्स्ट वीडियो और सेकंड वेक्टर को चेक कीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा इनटू व्हाट आई कैप। अब जरा ऊपर की तरफ देखिए ध्यान से, ओसी भी निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। व्हाट इज दिस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इस टाइम हमको ओसी निकालना है, ये एक ट्रायंगल है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, इसके सामने वाला ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग ओसी निकाल सकते हैं, किस तरह से निकालेंगे, ये तो मैंने ट्रायंगल लिया किसमें एओबी, अब देखेंगे इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एओसी। अब इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से किस तरह से करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे हम लोग, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बी बाई एच होता है कॉस थीटा बराबर, अरे ये थीटा 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस के साथ, तो बी बाई एच, तो बेस कितना होगा आपका ओसी और बाई एच, एच 90 के सामने वाला हाइपोटेनस दैट इज ओए। तो यहां से OC इक्वल टू व्हाट OA इंटू व्हाट cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो वी कैन राइट OC इक्वल टू OA, व्हाट इज OA, OA क्या आपका A cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। ये आपका OC निकल गया, ये OC मतलब यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है दैट इज A sin थीटा, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है दैट इज A cos थीटा। अब ये तो हमको मिल गया मैग्नीट्यूड, अब इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन है जे कैप है,
वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या मैंने लिया है, जे कैप लिया। देखिए जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आप लिख सकते हो ओसी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड दैट इज ए साइन थीटा और इनटू व्हाट जे कैप, इनटू व्हाट जे कैप, इनटू व्हाट जे कैप। ठीक है, तो ओसी वेक्टर इक्वल टू ए साइन थीटा इनटू जे कैप। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ आपका ओबी वेक्टर दैट इज ए कॉस थीटा इनटू आई कैप, एक हुआ आपका ओसी वेक्टर दैट इज ए साइन थीटा इनटू जे कैप। इधर की तरफ आपका हुआ ओबी वेक्टर, इधर की तरफ आपका ये जो वेक्टर है दैट इज ओबी वेक्टर, ये आपका ओबी वेक्टर, ये आपका ओबी वेक्टर, ये ओबी वेक्टर कितना आया, तो ओबी वेक्टर आया ए कॉस थीटा इनटू आई कैप। इधर की तरफ आपका, इधर की तरफ आप देखोगे, इधर की तरफ आप देखोगे, इधर की तरफ आप देखोगे तो दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर इक्वल टू ए साइन थीटा इनटू जे कैप। ऐसे कभी मत याद करना कि एक्स एक्सिस की तरफ कॉस और वाई एक्सिस की तरफ साइन, कभी नहीं। जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट जाएगा और उसके दूसरी तरफ क्या जाएगा, साइन, जिसके तरफ। इसलिए कुछ लोग जनरल में इसको फॉर्मूला को रटाते भी हैं कि सटा तो कॉस हटा तो साइन, जिसके साथ एंगल बना उधर कॉस जाएगा और उसके दूसरी तरफ साइन जाएगा। लेकिन वो सब आप मत रटिएगा कि एक्स एक्सिस की तरफ कॉस वाई एक्सिस की तरफ साइन, ऐसा कुछ जो नहीं। देखिए हम उसको चीज चेक करवा देते हैं, उस चीज को आपको हम प्रूफ करा देंगे कि वैसा नहीं होता है। आपको बस ऐसे ध्यान देना है कि जिसके साथ एंगल दिया उधर जाएगा कॉस और दूसरी तरफ क्या जाएगा, साइन। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से आप लोग याद कीजिए, ठीक है। सो आप इसको नोट कीजिए, ये आपका कंपोनेंट है ओसी, ओबी वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, एंड ओसी वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए ध्यान से, ये अगर ओसी वेक्टर तो ये दोनों सेम है, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या आपका सेम है, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है सेम है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दिखा रहे हैं, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दे रहे हैं, इसको हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दे, इस वेक्टर उठा के यहां पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल बना, ये क्या बना, ट्रायंगल, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, नाउ ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आप यहां पे बोल सकते हो, आप यहां पे ये चीज बोल सकते हो कि वेक्टर ए जो है वो आपका, या वेक्टर OA जो है वो आपका वेक्टर OB, वेक्टर OB और वेक्टर BA दोनों का रिजल्टेंट है। वेक्टर BA किसके बराबर है, वेक्टर OC के बराबर। तो आप ये बोल सकते हो कि वेक्टर OA जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर OB के और प्लस वेक्टर OC से दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहां से आप क्लियर लिख सकते हो, देखिएगा ट्रायंगल ला से, OA वेक्टर इक्वल टू क्या, OA वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओबी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस ये बी ए किसके बराबर, ओसी, तो ओसी वेक्टर, ओ ए वेक्टर किसके, ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। यानी वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट इज ओबी वेक्टर, व्हाट इज ओबी वेक्टर, व्हाट इज ओबी वेक्टर, ए कॉस थीटा इंटू आई कैप। व्हाट इज ओसी वेक्टर, ए साइन थीटा इंटू जे कैप। This is vector, this is resultant. ठीक है, मतलब जो component होता है वो original vector का resultants होते हैं। इन दोनों का जो, इन दोनों को मिला के जो resultant होगा वो आपका vector A होगा। ऐसे भी कह सकते हो कि vector A को ऐसे बीच से फाड़ दो, vector A को बीच से एकदम कट कर दो और perpendicular है, वही उसका component होगा, वही उसका क्या होगा, component होगा। तो vector A equal to A cos theta i cap plus A sin theta into j cap। अगर z axis भी यूज करेंगे ना, अगर जेड एक्सिस भी यूज करें तो उसी तरह से हम लोग जेड एक्सिस की तरह भी करते हैं, बट हम लोगों को मेनली पढ़ना एक्स और वाई वाला कंपोनेंट, एक्स और वाई के साथ। ठीक है, इस पूरे को नोट कीजिए, तब इस पे हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, तो वेक्टर ओ इक्वल टू मैंने क्या लिखा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यहां से वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस ओ ए को हम लोग वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। इसको हम बोलते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्स, इसको हम लोग ए एक्स लिखते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई का, इसको बोलते हैं हम लोग ए वाई लिखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू यहां से लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस व्हाट, ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप। मतलब इसका मतलब ये नहीं, ऐसे आप याद मत रखिएगा कि ए एक्स मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ ए कॉस थीटा, ऐसे नहीं याद रखना। वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ ए साइन थीटा, इस तरह से याद नहीं रखना, नहीं तो फंस जाएगा। बता देते हैं, जैसे मान लो सपोज डेट ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है,
ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है, ये आपका कोई फोर्स F है, F इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन, F इक्वल टू कितना 10 न्यूटन, F इक्वल टू कितना 10 न्यूटन, जो कि वर्टिकल के साथ बना रहा है 60 डिग्री, वर्टिकल के साथ बना रहा है 60 डिग्री, वर्टिकल के साथ बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट ये आपका वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, तो आप तो याद कर लीजिए, आपको वैसे नहीं याद करना है, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, देखिए इसको हम अच्छे से कर देते हैं, ये तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, एंगल बना लो जिसका उधर कॉस जाता है, तो इधर कितना होगा एफ कॉस 60 डिग्री और इधर की तरफ कितना होगा एफ साइन 60 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस, एफ कॉस 60 डिग्री और दूसरी तरफ क्या एफ साइन 60 डिग्री, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा एफ साइन 60 वॉट रूट 3/2, एफ का वैल्यू कितना 10 इंटू कॉट वॉट रूट 3/2 दैट इज वॉट 5√3 न्यूटन, और इसका इधर क्या हो जाएगा f cos 60, f का वैल्यू कितना 10 cos 60 कितना 1/2 दैट इज 5 न्यूटन, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना है 5 न्यूटन और इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना है 5√3 न्यूटन, कुछ नहीं मैंने बस क्या किया f cos 60, cos 60 का वैल्यू मैंने पुट किया 1/2 तो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन और इसका इधर की तरफ क्या होगा f sin 60 तो f * sin 60 कितना √3/2, f का वैल्यू कितना 10 तो 10√3/2 5 तो 5√3, मतलब जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर कॉस भेज दो और दूसरी तरफ आप साइन भेज दो, इस तरह से याद करोगे तो कभी कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, कभी आपका कंफ्यूजन इस चीज में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिया है, मैंने यहां पे दो क्वेश्चन ले रखा है, पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, पहले हम सेकंड को देखते हैं। A mass of 2 kg lies on an inclined plane. A mass of 2 kg lies on an inclined plane. Inclined plane. As shown in figure. अच्छा figure हम बता देते हैं. As shown in figure. A mass figure मान लीजिए ये आपका 30 degree है. कितना degree है? 30 degree. A mass एक mass है. Body है. एक block है. यहाँ पे क्या एक block है? यहाँ पे क्या एक block है? कितना kg का mass है? कितना केजी का मास है? एम इक्वल टू 2 kg, यहां पे एम इक्वल टू व्हाट 2 kg, लाइज ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, रिजॉल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके वेट को रिजॉल्व करना है, किसको वेट को, तो पहले पता होना चाहिए कि वेट क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एम इंटू जी होता है, वेट का डायरेक्शन क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो यहां पर वेट होगा नीचे डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा एम इंटू जी होगा, मास कितना है 2 है, मास कितना है 2 है और जी कितना 10 है तो कितना न्यूटन हो गया 20 न्यूटन, कितना न्यूटन हो गया 20 न्यूटन, रिजॉल्व करना है वेट को रिजॉल्व करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समझना थोड़ा सा, तो अलोंग ये हुआ डॉटेड लाइन, ये अलोंग हुआ अलोंग द प्लेन और ये क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री, आप चेक कर सकते हो, अरे ये 30 है यहां से इसमें सीधे परपेंड तो यहां 90 होगा, 9 3 120 होगा, ये रिमेनिंग 60 होगा तो ये क्या होगा 30 होगा क्योंकि टोटल 90 होता तो 30 डिग्री, अब जिसके साथ एंगल बना उधर कॉस जाएगा तो इधर की तरफ क्या जाएगा, इधर की तरफ जाएगा आपका ये तो वेट तो 20 वेट आपका ये वेट है 20 न्यूटन, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू डब्ल्यू इक्वल टू एम, एम का वैल्यू कितना दे रखा है 2 kg तो 2 × 10 तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 न्यूटन, ये आपका वेट हो गया 20 न्यूटन, अब ये बनाना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री तो जिधर बना रहा है उधर कॉस, तो इधर की तरफ क्या जाएगा इधर की तरफ जाएगा कॉस, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना जाएगा mg cos 30 डिग्री, या डायरेक्ट लिख सकते हो mg के जो वैल्यू कितना 20 इधर आएगा 20 cos 30 डिग्री और इधर क्या आएगा इधर आएगा आपका 20 sin 30 डिग्री, 20 cos 30 का वैल्यू क्या होगा 20 into cos 30 क्या होगा √3/2 तो दैट इज आंसर कितना होगा 10√3 और 20 into sin 30 कितना होगा 20 × 1/2 दैट इज कितना होगा 10 न्यूटन, न्यूटन वेट का यूनिट न्यूटन होता है दैट इज न्यूटन तो 10√3 न्यूटन, देखिए जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर cos जा रहा है और दूसरी तरफ क्या जा रहा है sin जा रहा है, एंगल इसके साथ बना रहा है तो इधर क्या होगा 20 × cos 30, cos 30 कितना √3/2 तो ये 10√3 और इधर की तरफ क्या होगा 20 × sin 30 कितना 1/2 तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने आपको कभी नहीं बताया ठीक है, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि इस तरह से करते हैं हम लोग,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, फर्स्ट नंबर, पहले मैंने सेकंड बताया क्योंकि वो थोड़ा सा डायरेक्ट कंपोनेंट से था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में दे रखा है कि अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक वेक्टर है जो कि 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वेक्टर ए है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 250, वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो ये एक्स है और ये मान लो क्या वाई, मान लो वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है 250, मतलब ए एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 250। एक्स इक्वल टू 250। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। आपको निकालना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई निकालना है, विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, आपको दो चीज फाइंड करना है। आपको दिया हुआ क्या है, सिर्फ ये बता दिया है कि वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना होगा, जिसके साथ एंगल उधर कॉस जाता है इधर की तरफ क्या हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा ए कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, किसके बराबर है 250 के बराबर। डायरेक्ट यहां से ए इंटू कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2 विच इज इक्वल टू व्हाट 250। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 500 बाई व्हाट रूट 3, दिस इज ए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 बाई रूट 3। तो एक्स इक्वल टू 250, ए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 250, ए इंटू कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 इक्वल टू 250, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 बाई रूट 3, 500 बाई रूट 3। अब हम लोग निकालेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ए का वैल्यू कितना है 500 बाई रूट 3। ये तो फाइंड कर लिया मैंने ना, फाइंड क्या हो गया 500 बाई रूट 3। अब हमको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा दैट इज ए साइन थीटा होगा। तो ए साइन थीटा ए का वैल्यू कितना है 500 बाई रूट 3 और साइन थीटा यानी कितना, साइन कितना साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहां लिख देते हैं हम, तो 500 बाय रूट 3 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या 1/2, तो दैट इज व्हाट 250 बाय रूट 3, 250 बाय रूट 3 दिस इज द आंसर। तो कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 250, फिर से मैं बता देता हूं आपको। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है ए कॉस थीटा, ए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 250, ए इंटू रूट 3/2 इक्वल टू 250, यहां से a इक्वल टू हो जाएगा 500 बाई रूट 3। और वर्टिकल कंपोनेंट ay इक्वल टू क्या होगा a sin theta, a का वैल्यू कितना 500 बाई रूट 3 इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो 500 बाई रूट 3 इंटू साइन 30 कितना 1/2, तो क्या हो जाएगा 250 बाई रूट 3। तो ये मैंने दोनों चीज निकाल लिया, यहां से आपका दोनों चीज ay भी निकल गया। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग कैसे एड करते हैं कंपोनेंट मेथड से, कैसे एड करते हैं, ठीक है। तो हम अभी आपको आगे बताएंगे, तो हम लोग देखेंगे कंपोनेंट एडिशन, कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कंपोनेंट मेथड से कैसे ऐड करते हैं, ध्यान दीजिए किस तरह से उसको किया जाता है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर बाई कंपोनेंट मेथड, समझना थोड़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाई कंपोनेंट मेथड। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, हमने बता दिया। इधर की तरफ एक वेक्टर दे रखा है एक्स एक्सिस की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है, इधर की तरफ एक वेक्टर दे रखा है एक्स एक्सिस की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, कितना है 10 यूनिट्स, और एक वेक्टर इधर की तरफ है, इधर की तरफ यहां से कितने डिग्री पे है 30 डिग्री पे, ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए इक्वल टू कितना दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दे रखा है, ये आपका वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, ये भी आप 8 यूनिट मान लीजिए, 8 यूनिट्स कर लीजिए, जो कि वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब किस तरह से हम लोग एड करेंगे इन दो वेक्टर को, कंपोनेंट मेथड से ऐड करना है, कंपोनेंट मेथड से, ये नहीं कि आप सर ये 30 तो ये 90, ये 10 यूनिट ये 8 यूनिट, ये 90 प्लस 120 डिग्री हो जाएगा सर, तो हम आराम से निकाल लेंगे अंदर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos 120, वैसे नहीं बनाना, आपको बनाना है कैसे कंपोनेंट मेथड से। आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिए, अभी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालिए, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट निकालिए, वेक्टर
बी का एक्स कंपोनेंट निकालिए, ठीक है। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, यही होगा। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, जीरो डिग्री, तो ए कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज टेन हो जाएगा। तरीका समझिए, प्रोसेस समझिएगा ध्यान से, करना क्या है, वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट निकालो, फिर एक्स कंपोनेंट निकालो वेक्टर बी का, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट निकालो, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट निकालो। तो क्या तरीका निकालने का है, समझना है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज दिस, दिस वन इज 60 डिग्री। तो इधर की तरफ वेक्टर बी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, वेक्टर बी का इधर कंपोनेंट, ध्यान दीजिए, तो वेक्टर बी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, वेक्टर बी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस 60 डिग्री। वेक्टर बी का ऊपर कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन 60 डिग्री। देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं हम लोग, इधर की तरफ बी कॉस 60 डिग्री, ऊपर की तरफ बी साइन 60 डिग्री, इधर की तरफ बी इसके वाला एंगल लेते हैं, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इधर की तरफ और ज्यादा, तो इधर की तरफ लिख सकते हो बी कॉस 60 और ऊपर की तरफ लिख सकते हो बी कॉस 30, एक ही चीज है, बी साइन 60 बोलो या बी कॉस 30 बोलो, एक ही चीज है, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू भी कितना, रूट 3 बाई 2, कॉस 30 का वैल्यू कितना, रूट है, तो आंसर उतना ही आने का। तो बी कॉस 60 विच इज बी, बी का वैल्यू कितना, 8 इंटू कॉस 60 कितना, 1 बाई 2, डेट इज वॉट 4 यूनिट्स, क्या 4 यूनिट्स। और यहां पे देखिए बी साइन 60, बी का वैल्यू क्या 8, साइन 60 कितना, रूट 3 बाई 2, डेट इज वॉट 4 रूट 3 यूनिट्स, 4 रूट 3 यूनिट्स। और वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना है, 10 यूनिट। अब बोलिएगा सर वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट 0 होता है, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है, नोट कर लीजिएगा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है। वेक्टर ए किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ उसका वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आपका 10 यूनिट्स, वेक्टर ए का कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ कितना होगा, 0 होगा। अब मुझे जोड़ना है, अब मुझे इनको ऐड करना है। आपसे कि मैंने वेक्टर बी का कंपोनेंट फाइंड कर लिया, वेक्टर बी का कंपोनेंट मैंने फाइंड कर लिया, वेक्टर बी का इधर की तरफ क्या है 4 यूनिट, ऊपर की तरफ क्या है 4 रूट 3, और वेक्टर ए का इधर कंपोनेंट 10। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अब इसको हटा दीजिए, वेक्टर बी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसके कंपोनेंट को लिखिए या उसको लिखिए, एक ही चीज है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं, अब इसको हटा दीजिए यहां से, देखिए एकदम प्यार से इसको हटाइए। अब बन गया आपका यह चीज, इन दोनों का इधर की तरफ 10 यूनिट, इधर की तरफ 4 यूनिट। अब ये दो वेक्टर है, इधर की तरफ 10 यूनिट है, इधर की तरफ 4 यूनिट है, तो इधर की तरफ इन दोनों के इधर की तरफ कितना होगा, 10 में से 4 कितना होगा, 6 यूनिट्स, 6 यूनिट, और ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ कितना, 4 रूट 3 यूनिट्स। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू होगा, इनका रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस व्हाट, 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 3, तो 16 इंटू 3, तो अंडर रूट 36 प्लस व्हाट 48। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट मेथड से ऐड किया, आप दूसरे तरीका से ऐड करोगे वही रिजल्ट, आप जो प्रोसेस अप्लाई करो उस प्रोसेस के आंसर में तो कोई फर्क नहीं आने का। करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप सबका एक्स कंपोनेंट निकालिए, सबका वाई कंपोनेंट निकालिए, एक्स कंपोनेंट को अलग ऐड कीजिए, वाई कंपोनेंट को अलग ऐड कीजिए, रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर होगा प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, सिंपल, ठीक है, सिंपल। देखिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए यहां पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, ये आपका वेक्टर बी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है, ये आपका वेक्टर सी है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है। आपको तीनों को जोड़ना है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री,
ये एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री और ये एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री। आपको इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है। हाउ टू ऐड, कैसे ऐड करोगे? कंपोनेंट मेथड। आपको कंपोनेंट मेथड से ही ऐड करना है। आप कुछ मत करो, क्या करिएगा, आप सबका कंपोनेंट फाइंड कीजिए। आप सबका एक्स कंपोनेंट लिखिए, सबका वाई कंपोनेंट लिखिए और रिजल्ट को लिख लीजिए। सबका एक्स कंपोनेंट लिखिए, सबके वाई कंपोनेंट को लिखिए और रिजल्ट को लिखिए। अब देखिए वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, वेक्टर ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा? वेक्टर ए का इधर कंपोनेंट क्या होगा बताइए, बताओ, सोचिए वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा। ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या, 10 × cos 30 कितना, √3/2, मतलब कितना, 5√3। वेक्टर ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कितना होगा बताइए, ए साइन 30 डिग्री, ए का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 sin 30 कितना, 1/2, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल। आइए वेक्टर बी पे, वेक्टर बी का इधर कंपोनेंट क्या होगा बताइए, बी कॉस 60 डिग्री, बी का वैल्यू कितना, 8 cos 60 कितना, 1/2, क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। सिंपल वे से, हम अलग अलग नहीं लिख रहे, हम चाह रहे हैं उसी में बनाए। आप उतना जगह क्यों बनाइएगा, अलग अलग लिखिएगा फिर बनाए, वो तरीका अलग है। वेक्टर बी का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, वेक्टर बी का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, बी साइन 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, बी का वैल्यू कितना, 8 sin 60 कितना, √3/2, क्या हो जाएगा, 4√3। वेक्टर सी का कंपोनेंट नीचे की तरफ, वेक्टर सी का कंपोनेंट, अब ए का निकालनी है, बी का निकालिए। अब बात करेंगे वेक्टर सी का, तो वेक्टर सी का इधर की तरफ कितना होगा, जिसके साथ एंगल अगर कॉस जाता है तो क्या होगा, सी कॉस 30 डिग्री, सी का वैल्यू क्या है, 6 × cos 30 कितना होता है, √3/2, तो क्या हो जाएगा, 3√3, क्या होगा, 3√3 होगा। और वेक्टर सी का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होगा, वेक्टर सी का इधर की तरफ क्या होगा बताइए, सी साइन 30 डिग्री, सी का वैल्यू कितना है, 6 sin 30 कितना, 1/2, दैट इज व्हाट, 3 यूनिट। ये मैंने सब कंपोनेंट को लिख लिया, ए का कंपोनेंट इधर, ए का कंपोनेंट इधर, बी का कंपोनेंट इस साइड, बी का कंपोनेंट ऊपर, सी का कंपोनेंट नीचे, सी का कंपोनेंट, सब लिख दिया। अब इसको करने का क्या तरीका है, अब ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था, ये कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस। अब कुछ नहीं करना है, इधर की तरफ कितना, इधर की तरफ 3 + 4, 4 + 3 कितना, 7, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, इधर की तरफ 7 हो जाएगा और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, 5√3, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, 5√3, कितना हो जाएगा, 5√3। ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ कितना, 4√3 + 5, ऊपर की तरफ कितना, 4√3 + 5। अरे भाई मैं ऊपर की तरफ, बी का भी ऊपर और ए का ऊपर, ए का ऊपर 5, बी का ऊपर 4√3, तो 4√3 + 5। सी की बात करेंगे, सी का नीचे कितना है, 3√3, तो सी का नीचे कितना है, 3√3, सी का नीचे कितना है, 3√3, सी का नीचे कितना है, 3√3। समझ में, बिल्कुल समझ आया होगा, कुछ मैंने नहीं किया, हमने क्या किया, अभी इसका क्या जरूरत है, वेक्टर का, उसके कंपोनेंट को लिख रहे हो तो वेक्टर को हटा दो ना, कंपोनेंट को लिखो या वेक्टर को लिखो एक ही चीज है, कंपोनेंट को लिखो या वेक्टर को लिखो एक ही चीज है, क्योंकि उसका वही तो रिजल्टेंट है, तो कंपोनेंट को, इसको हटा दो वेक्टर को, अब कंपोनेंट मैंने लिख दिया। अब देखिए यही चीज मैंने लिख दिया, यहां पे इधर की तरफ क्या है, 4 + 3 = 7, नीचे की तरफ कितना दिख रहा है, 3√3, इधर कितना दिख रहा है, 5√3, ऊपर कितना दिख रहा है, 5 + 4√3। अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट, एंटी पैरेलल, तो बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट एंटी पैरेलल, बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर, समझ में आया। तो आपका फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या होगा, RX² + कितना होगा, RY², अंडर रूट RX² + कितना होगा, RY², ठीक है। तो आई होप आप लोग कंपोनेंट मेथड को समझ रहे होंगे, कंपोनेंट से कैसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, कंपोनेंट से कैसे हम लोग वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, हाउ टू ऐड, कंपोनेंट से कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए मतलब एक सर्कल है, क्या ये एक सर्कल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्लियर। और ये आपका सेंटर ओ है, सेंटर ओ है,
ये आपका OA वेक्टर है, दिस इज OA वेक्टर, दिस वन इज OB वेक्टर, व्हाट इज दिस OB वेक्टर, एंड दिस वन एकदम बीच में, दिस वन इज OC वेक्टर, ये कितना डिग्री 45 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 45 डिग्री, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस 45 डिग्री, आप एक्स एक्सिस बाय एक्सिस नहीं भी देगा तो आपका काम चलेगा, आपसे बोलेगा कि OA OB और OC का रिजल्टेंट बताइए, ठीक है, आपको बोलेगा कि OA प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बताना है, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बताना है। अब इसको बनाते हैं हम लोग क्या कंपोनेंट मेथड से, कैसे बनाते हैं कंपोनेंट मेथड, कैसे बनाते हैं इसको कंपोनेंट मेथड से, तो अपने सिंपली सुविधा के लिए हम लोग इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस और इसको मान लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, इसको बिना कंपोनेंट से भी बना सकते हैं लेकिन हम कंपोनेंट सिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए, और रेडियस इसका आर, कितना रेडियस है आर है, कितना रेडियस है आर, रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्किल का रेडियस कितना है आर है। अब देखिए OA का एक्स कंपोनेंट कितना होगा आर होगा, OA का वाई कंपोनेंट कितना होगा जीरो होगा, OA का एक्स कंपोनेंट क्या होगा आर होगा, OA का वाई कंपोनेंट कितना होगा जीरो होगा, OB का एक्स कंपोनेंट कितना होगा जीरो होगा, OB का वाई कंपोनेंट कितना होगा आर होगा। मैंने बताया ना किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होता है, OA किधर है एक्स की तरफ, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा वाई, तो OA का कंपोनेंट वाई की तरफ क्या होगा जीरो होगा, OB किधर है वाई की तरफ, उसका परपेंडिकुलर क्या है एक्स, तो OB का कंपोनेंट एक्स की तरफ क्या होगा जीरो होगा, तो OA का कंपोनेंट एक्स की तरफ आर होगा। अब देखिए ध्यान से और समझिए, OC का कंपोनेंट एक्स में भी होगा, OC का कंपोनेंट वाई में भी होगा, OC का कंपोनेंट एक्स में भी होगा, OC का कंपोनेंट वाई में भी होगा, OC का कंपोनेंट एक्स में कितना होगा, OC का कंपोनेंट से निकालते हैं, देखिए OC का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, OC cos 45 डिग्री, OC कितना R, cos 45 कितना 1/√2, दैट इज कितना R/√2, कितना R/√2, और OC का कंपोनेंट Y में कितना होगा, OC का कंपोनेंट Y में कितना होगा, OC sin 45 दैट इज व्हाट R/1/√2, दैट इज व्हाट R/√2, OC का कंपोनेंट X में निकल गया R/√2, OC कंपोनेंट Y में निकल गया R/√2, सही, कोई दिक्कत है यहां तक कोई प्रॉब्लम, OC कंपोनेंट इधर निकल गया, अब इधर की तरफ पहले से R भी तो मौजूद है, तो इधर की तरफ नेट क्या होगा R+R/√2, इधर की तरफ नेट क्या होगा R+R/√2, OC का कंपोनेंट इधर की तरफ, हम वो कंपोनेंट से ऐड करने बता रहे हैं, सबको एक्स और वाई में जोड़ लो, सबको एक्स और वाई में डिवाइड कर दो, ठीक है, बिना कंपोनेंट से भी बना सकते हैं, बिना कंपोनेंट से बनाने का क्या तरीका है, अरे इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा √R² + R² + 2R² cos 90, और वो किधर होगा OC के अलोंग होगा, जोड़ दीजिए, लेकिन वैसे नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है कंपोनेंट से, तो OC का कंपोनेंट X की तरफ कितना होगा R/√2, OC का कंपोनेंट Y की तरफ क्या होगा R/√2, अब नेट क्या होगा X एक्सिस की तरफ क्या होगा X एक्सिस की तरफ हो जाएगा R+R/√2, और Y एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा वहां पे भी क्या होगा R+R/√2, अरे पहले OC का कंपोनेंट X की तरफ R/√2, और पहले से R मौजूद भी तो है, तो नेट क्या हो जाएगा R+R/√2, ऊपर Y एक्सिस की तरफ OC का कंपोनेंट इधर कितना होगा R/√2, पहले से R मौजूद है R+R/√2, अब इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो √ of this square + this square, इसका स्क्वायर, इसको हम नाम दे रहे हैं A1, इसका नाम दे रहे हैं A2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा √ of A1² + A2² ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज सबको, कंपोनेंट मेथड, हाउ टू ऐड कंपोनेंट से कैसे जोड़ते हैं वेक्टर्स को, कंपोनेंट से कैसे जोड़ते हैं वेक्टर्स को, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस में बात करेंगे कि कैसे हम लोग और कंपोनेंट के कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग टॉपिक जो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो मेनली रहेगा वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो तरह का वेक्टर्स का, ठीक है, तो उसमें लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या उसका यूज है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।